हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज देख सकते हैं कि इस समय मैं हूँ दोहा कतार पार्क में। यहाँ पर देख सकते हैं आप, तैयारी जो है कि अच्छी तरह से हो चुकी है। आज हम आप लोगों को कुछ चीज़ दिखाने वाला हूँ पीछे जो है कि, चलिए आप लोगों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं थोड़ी देर में, 2 मिनट में। ओके बाय। सजाओ था आज हम आपको दिखाने वाले ही कुछ सिप होटल जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी होती है। हम थोड़ा दूर से दिखाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे ताकि हम अंदर तक जाएं। तो चलिए दिखाते हैं। ये देखिए, या हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो है कि 25 नवंबर है, हमारे साथ में हमारे प्रदीप भैया हैं। 25 नवंबर है, आज जो है कि दोहा कतर का मैच है, कतर से और सेनेगल से है। तो उधर जो है कि टिकट नहीं मिला था हम लोगों को, लेकिन हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर पीछे जो है कि डिस्प्ले लगा हुआ है, इस पीछे इस पार्क में उधर। तो अभी थोड़ी देर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और इधर थोड़ा सा हम लोग जो है कि घूम रहे हैं, यहाँ पे घूमने बाद में चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। तो पीछे देख सकते हैं कि ये जो है कि एक होटल क्रूज खड़ा हुआ है पीछे यहाँ पे, जिसमें लगभग 60,000 आदमी का कैपेसिटी है। 60,000 आदमी का जो है कि इस होटल में कैपेसिटी रहता है। चलिए चलते हैं, आपको यहाँ के और दिखाने की कोशिश करते हैं। कहाँ चलना है भैया? देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं ये पीछे है, थोड़ा ब्लर मार रहा है। हम लोग को बैक कैमरा करके दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं इधर का दुनिया नज़ारा। खड़ी है MSC ओपेरा क्रूज होटल, पीछे खड़ी है, देख सकते हैं आप MSC ओपेरा। इसका नाम है MSC ओपेरा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि फाइनली हमने जो है कि पार्क में आ गया मैच देखने। यहाँ पे देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है सार्वजनिक डिस्प्ले लगा हुआ है देखने के लिए पार्क में। ये सब देख करके पुरानी जो है कि यादगार ताज़ा हो गई। जब छोटे छोटे हम लोग थे तो जाते थे दूसरे के घर फिल्म देखने के लिए, तो ऐसा भीड़ लगा रहता था। देख सकते हैं मैं हूँ और मेरे साथ में ये प्रदीप भैया हैं, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ है, और टीवी का जो इतना फोकस होने की वजह से जो कैमरा में जो है कि कैच नहीं हो रहा है। टीवी का जो लाइटिंग बहुत ज़्यादा है,
तो दोस्तों हम लोग ने मैच देख लिया, अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। बहुत दुख की बात है कि जो है कि कतर मैच जो है कि हार चुकी है, और इंशाल्लाह दुआ करेंगे भगवान से कि फिर दोबारा कतर मैच जीत जाए। तब तक लिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।